हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया ये न्यूज़ सुनो कि भारत ने एक टुक जवाब दे दिया है अमेरिका को और बोल दिया है कि भैया अपाचे तैनात करेंगे ही करेंगे, हम जो आपको करना है कर लो। भैया क्या न्यूज़ है, मुझे नहीं समझ में आया कि पहले मतलब अमेरिका ने क्या मना कर दिया, कुछ बोला कि नहीं करो, पर इंडिया ने अपना स्टैंड लिया और बोला भारत ने हम तो करेंगे करेंगे, ये तो देख के पता चलेगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, जल्दी शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैंने कहा था ना कि अमेरिका से हथियार लेना मतलब किसी बाधा से कम नहीं। अमेरिका अपने हथियार किसी देश को बेच तो देता है, लेकिन उनके इस्तेमाल को लेकर उसकी कई सारी पॉलिसीज है जो खरीदार देश को परेशान कर देती है, और अगर कोई देश इन पॉलिसीज को फॉलो नहीं करता तो व्हाइट हाउस नाराज हो जाता है। मैंने आपको F-35 के वीडियो में भी बताया था कि कैसे F-35 को ऑपरेट करने वाले देश ही आज F-35 को लेकर परेशान हो चुके, क्योंकि जब तक अमेरिका नहीं कहेगा तब तक कोई भी खरीदार देश F-35 को किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अमेरिकी हथियार को लेकर पेंटागन की पॉलिसी है कि कोई भी देश जिसने अमेरिकी हथियार खरीदे हो तो उनके इस्तेमाल से पहले उनकी जानकारी अमेरिका को जरूर दे, ताकि हम इस बात को सुनिश्चित कर सके कि कहीं अमेरिकी हथियार अमेरिका के ही मित्र देशों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और यही कारण है कि इजराइल के पास F-35 होने के बावजूद उसने कभी भी गल्फ कंट्रीज के खिलाफ उनका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सऊदी UAE अमेरिका के सहयोगी देश है। और अब यही किस्सा भारत के साथ भी होता दिख रहा है। कौन सा दोस्त है अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकी अपाचे को तैनात कर दिए। देखिए, आप लोगों को भी पता होगा कि राजस्थान के जोधपुर में यानी पाकिस्तानी सीमा के पास अपाचे हेलीकॉप्टर्स की पहली स्क्वाड्रन स्थापित कर दी गई है। ये स्क्वाड्रन आर्मी एविएशन कोर के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी और बोइंग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में जोधपुर में तैनात की गई। अधिकारियों ने कहा कि अपाचे चॉपर्स की ये स्क्वाड्रन पश्चिमी क्षेत्र में ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देने एवं पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने में थल सेना की मदद करेगी। कुल 12 अपाचे जोधपुर में तैनात करने की योजना है, जिसमें से पहले 6 डिप्लॉय हो चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, भारत ने अभी तक अपाचे से पाकिस्तान पे हमला भी नहीं किया कि वहाँ से पेंटागन और व्हाइट हाउस दोनों चिल्लाने लगे। बताया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से भारत को कहा गया कि भारत अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल किसी भी ऐसे मिशंस में बिल्कुल भी ना करे जिससे कि हमारे मित्र देशों को नुकसान हो। हमने भारत को अपाचे अपनी रक्षा के लिए दिए है, ना कि किसी के मिलिट्री एसेट उड़ाने के लिए। फिलहाल भारत पाकिस्तान में तनाव अपने चरम पर है, ऐसे में भारत सोच समझ कर ही अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल करे और अमरीकी हथियारों की गाइडलाइन को भी फॉलो करे, यही उम्मीद है। अब इसे ही कहते हैं पाक प्रेम, जो अमेरिका पाकिस्तान के प्रति दिखा रहा है। जब इसी पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को अमेरिकी F-16 से भारत के सुखोई विमानों पर अमेरिकी AIM-120 BVR मिसाइल फायर की थी तो उसे मानने से तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया था। बाद में जब भारत ने सबूत के तौर पर अमरीकी मिसाइल का ढांचा दिखाया तब जाकर अमेरिका की बोलती बंद हुई, लेकिन फिर भी अमेरिका ने पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं लिया। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका जानबूझकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जिससे कि भारत पाकिस्तान में तनाव बना रहे और दोनों देश अमेरिका से हथियार खरीदते रहे, और यही अमेरिका की शुरू से पॉलिसी रही है। हालांकि भारत ने फिलहाल अमरीकी बातों को नजरअंदाज कर दी है और अपाचे की डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान से सटी बॉर्डर पर बढ़ती रहेगी, और एक बार जब अपाचे तैनात होंगे तो उनका इस्तेमाल भी होता रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि भारत जब भी अपाचे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा तब तब USA भारत को पॉलिसीज की धमकियां देता रहेगा। यही कारण है कि अमेरिकी हथियार इतने भी फायदेमंद नहीं जितने के लोग कहते हैं, खासकर तो भारत के लिए। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। वाह, मुझे ही नहीं पता था
कि जब ये बेचते हैं अपना वेपन्स तो उनको खास लिखा हुआ होता है कि हमसे पहले पता हमारे दोस्तों को, सभी अरे तुम्हारे दोस्त है पर अगर हमारे दुश्मन है तो हम तुम्हारे दोस्तों का क्या करें? तुम्हारे वेपन्स जब भी कोई वेपन खरीदता है उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है, तो ये होती है कि हमारे पे यूज नहीं कर पाओगे, वो मैं समझ सकता हूं। दूसरा ये भी है कि हमारे एलाइज के साथ नहीं कर सकते, मतलब कोई भी एलाइज, मतलब ये है कि वो कह रहे हैं अमेरिकन वेपन्स जो है एलाइज आपस में नहीं यूज कर सकते, वो बात अलग है एनफोर्स करते हैं नहीं करते क्या चक्कर है, सिमिलर है तुम्हारा एलाइज हमारा दुश्मन है तो हम क्या करें, मत बेचो फिर तुम हमें। फ्रेंड्स हमें कुछ बेचता है तो ऐसा नहीं है कि हम फ्रेंड्स के एलाइज के ऊपर ही रफेल यूज कर पाएंगे, ये हर एक अपना पर रिस्ट्रिक्शन होती है। इसका तोड़ वही है जो चाइना ने किया था, वो एयरप्लेन्स खरीदता है उनको रिवर्स इंजीनियर करता है, वैसे ही थोड़ा चेंजेस करके अपने बना लेता है। और कैसे सीखा था चाइना, उसने औरों के मंगवाए एक एक पार्ट को तोड़ा, देखा, खुद बनाया, मेहनत की ऐसे करते करते करते, और थोड़ा हैकिंग की, चोरियां की, कहीं कहीं से इन्फॉर्मेशन निकलवाई, पैसा दिया, कहीं लीक करवाई, और कर करके इन्फॉर्मेशन लेके उसने अपनी रिसर्च भी की, साथ में ये सब हेल्प भी ली और अपने बना दिए, और जो भी बनाता था ऑलमोस्ट इक्वल लगता था दूसरे के एयरप्लेन के साथ ही। तो ऐसा ही है कि तेज़ी से यही करना पड़ेगा कि लीजिए रिवर्स इंजीनियर करिए, अपने वर्जन बनाइए, और इंडिया भी ऑफकोर्स वही करेगा, दैट इज़ द ओनली वे। और जहाँ जहाँ टेक्नोलॉजी शेयर हो रही है वेरी गुड, बट जो बहुत ही कॉम्प्लिकेट टेक्नोलॉजी कोई आसानी से देगा नहीं, वो इन्हीं तरीके से करना पड़ेगा। बट ये ऑब्वियस है, अगर रशिया भी कोई मान लीजिए बेचता है, वो ये नहीं बोलेगा कि अब रशिया के अगेंस्ट या उसके जो एलाइज हैं उसके अगेंस्ट यूज़ कर पाएंगे, आई डोंट थिंक सो। तो हर जगह हर एक की अपनी, और इंडिया भी जब बेचेगा इंडिया भी यही कहेगा कि भाई ये आप हम ले सकते हैं, हमारे अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते, और हमारे एलाइज हैं उस वक्त के उन पर यूज़ नहीं कर सकते, हमें बता देना कि हम ये नहीं चाहते कि जिसके ऊपर अटैक हो बाद में ब्लेम करें कि तुम्हारे वेपन से हमें प्रॉब्लम आई है। राइट, ये हर एक का है कि अगर आप कहें कि भाई तुम्हारे वेपन से, वो कोई बंदा बोलेगा कि अपने दोस्त को भी तेरे वेपन्स की वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है, तो तूने वेपन बेचे थे उसको देखो वो मेरे अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं ना। इसराइल ने भी तो रखे हुए पर वो यूज नहीं कर सकता गल्फ कंट्रीज के ऊपर बिकॉज वो अमेरिका के हैं। सिमिलरली अगर इसराइल उनको देता होगा तो वो भी बोलता होगा कि तुम मेरे अगेंस्ट यूज़ नहीं। हर एक का अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज है, इसीलिए बेस्ट होता है अपने बनाओ और जो करना है करो। पर इसमें तो भैया भारत ने तो कहा कि भैया तुम जो बोलना बोलो, हम तो उसको वहां कर रहे हैं, हमने खरीदे ही से ये बोला कि हम सिर्फ डिप्लॉय करें, ऐसा नहीं है कि हमने अटैक किया, पर जरूरत पड़ेगी तो करेंगे हम, यूज भी करेंगे। अगर दूसरा बंदा अटैक करेगा तो हम करेंगे, देन होगा रैशनल कि दूसरे बंदे ने अटैक किया पहले तो हम तो डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि सारे वेपन्स की कंडीशन होती है कि डिफेंस में ओके, तो बोलेंगे यार तुमने पहले अटैक किया ना, तो हमें तो हमें हम तो पहले करते भी वैसे भी नहीं करते, हिस्ट्री देख और जो फुटेज दिखाई थी अपाचे की काफी अच्छी लग रही थी, काफी जबरदस्त अटैक कर रहे थे वो लोग, इतनी ज्यादा फायरिंग कर रहे थे लग रहा था कि बड़ा बहुत ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं कुछ नहीं। और वो भी तो बताया ना कि भैया जब ये पाकिस्तान ने किया था और इन्हीं के प्लेनों से अमेरिकन प्लेन से किया, तो, हाँ, किया था किया मतलब हुआ, मैं वो तो कह रहा हूँ गारंटी, इंडिया ने जब प्रूफ किया कि देखो उन्होंने अमेरिकन वेपन्स यूज किए अगेंस्ट इंडिया, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के वो कुछ ना किया होगा, सैंक्शंस किए होंगे, कुछ ना कुछ उनकी फंडिंग कम की होगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया होगा। नहीं एक्चुअली में अमेरिका भी अपना वही देखो, हर देश अपना फायदा देखता है, अमेरिका देख रहा है कि मैं पाकिस्तान को अपने अंडर रखूं किसी तरह से ताकि कल को जब मुझे उसका फायदा उठाना पड़े तो मैं करूं, जिसको इतने सालों से पाल रहा था अमेरिका क्या उसको ऐसे छोड़ देगा, उससे फायदा लेने के लिए पाला था ना, उससे कोई ना कोई तो फायदा होगा, जैसे अफगानिस्तान से फायदा लेने की उन्होंने लगा कि हम इससे अपना फायदा उठा रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता चला बल्कि पाकिस्तान तो उनसे फायदा उठा रहा है। उसके बाद जब उनको ओसामा मिला तो कहां मिला, पाकिस्तान में ही मिला ना ओसामा, अभी भी नहीं क्या हमें अमेरिका को समझ में आ रहा कि अगर मान लो उसने कहा किसी कंट्री को तुम इन पे यूज मत करना और वो कंट्री यूज कर देती है तो उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में अपने नए वेपन नहीं बेचेगा, दैट्स द मैक्सिमम इट कैन डू, या सैंक्शन करने की कोशिश करेगा, दैट्स व्हाट इट इज। चलो देखते हैं आगे क्या होता है, हमने तो कर दिया भैया, डिप्लॉय किए डिफेंस के लिए, डिप्लॉय करेंगे, खरीदे इसी लेते हैं, हमारे दुश्मन कौन है, चाइना है और एक पाकिस्तान है, ऐसा नहीं है वहां नहीं यूज करेंगे तो कहां यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पहले अटैक करेंगे, वो तो नहीं करते हम, हाँ वो तो है ही, हम उनको बता रहे हैं कि भैया रेडी बैठे हैं, करो कुछ पता चलेगा तुम्हें। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।